दुर्ग के वार्ड 34 में अधूरे बने प्रधानमंत्री आवास पर असामाजिक तत्वों के जमावड़े से परेशान वार्डवासियों ने प्रधानमंत्री आवास पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। भाजपा पार्षदों द्वारा प्रधानमंत्री आवास में पूर्व पार्षद द्वारा अवैध कब्जा कराए जाने का आरोप लगाकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोर चिन्हारी मोर मकान योजना से दुर्ग सरस्वती नगर वार्ड 34 में 552 मकान बनाए गए हैं, जिसका काम लगभग पूरा हो गया है। लेकिन इस मकान के बनने से जो सुविधा लोगों को मिलनी थी, उससे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर शनिवार को एक बड़ा मामला सामने आया। पूर्व पार्षद कन्या धीमर सहित वार्ड के लोगों ने बताया कि अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा यहां बने आवास में आज एक युवती के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके चलते वार्डवासी बड़ी संख्या में यहां पहुंच अपना विरोध जताते नजर आए। साथ ही पूर्व पार्षद कन्या धीमर ने बताया कि यहां पर असामाजिक तत्वों का डेरा जमा रहता है, जो कि नशे के आदि हैं। गांजा भांग शराब यहीं आकर सेवन करते रहते हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि यहां बने मकानों में सबसे पहले इस वार्ड के गरीब परिवारों को और किराएदारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो कि मकान बनने से पहले इन लोगों से वादा किया गया था। इसी कड़ी में शनिवार को भाजपा पार्षद दल ने वार्ड पार्षद कमल देवांगन के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास पर बने 552 आवासों पर किए जाने वाले अवैध कब्जे के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पहुंच कब्जा कराने वाले पर कार्यवाही की मांग की। इस संबंध में भाजपा नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा सहित पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, वार्ड पार्षद कमल देवांगन ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री आवास के 522 मकान बने हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है हर गरीब के सर पे एक छत हो, और इसी मंशा के साथ किराए वालों को भी आवास देने का से केंद्र ने निर्णय लिया है। आज कतिपय कांग्रेस नेताओं ने वहां कब्जा कराना प्रारंभ किया, और ये कांग्रेसियों का कब्जा है। हमारी मांग है कि उस पर जांच करें, उन गरीबों को जिन्होंने भड़काया है उस पर अपराध दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी हो। अभी पूर्व में भी एक कांग्रेस के पार्षदों ने यह धंधा ही खोल रखा है। आप जगदलपुर की महिला पार्षद जो जेल गई, उसके बारे में उससे प्रेरणा ली हमारे कांग्रेस पार्षदों ने, और कब्जा कराया नहीं है, पहले उस आवास को बेचा है अघोषित तौर पे, और आज कब्जा कराने का प्रयास किया है। सामान्य सभा में ये आवाज उठी, आप सब भी साक्षी थे, माननीय कमल देवांगन जी ने उस वार्ड में, वार्ड नंबर 34 में 522 आवास बनाए थे, उस समय भी सभी का लिस्ट बन चुका था, परंतु उस लिस्ट को खारिज करके जिस वार्ड के कांग्रेस नेता ने फिर से लिस्ट बनाया और अपने लोगों को वो लिस्ट तैयार करके आज जिला प्रशासन और निगम प्रशासन को बिना बताए अपने ये में वो एक एक लोगों को बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, जिससे पैसा ले जा रहे हैं, लेन देन हो रही है। और आज इस पर यदि जिला प्रशासन और निगम प्रशासन कार्रवाई उस व्यक्ति से नहीं करेगी जिससे कांग्रेस लोगों से नहीं करेगी, तो आगे चल के भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करेगी और जिस हितग्राही को मिलना चाहिए उसे मिलना चाहिए। ठीक, नमस्कार। यहाँ भैया हम लोग जब सुबह यहाँ जब उठे तो पता चला कि कोई लड़की लेडीज़ को उठा के कुछ चार लड़के लेके जा रहे थे। वो ऐसे में कोई उठने के बाद में भगा भग दौड़ के वो लड़की औरत अपने घर गई, तो सब पता चला कि यहाँ चोरी चमारी असामाजिक तत्वों का यहाँ बहुत ज़्यादा डेरा जमा रहता है, जिसमें बहुत सारे प्रकार का दवाई गांजा वांजा दारू शराब सब बिक्री होता है यहाँ अंदर, और कई लड़के लोग यहाँ लड़की ला के सब दुनियादारी काम करते हैं। तो जब ठेकेदार का भी बहुत सारा ऐसा सामान, लाखों रुपए का सामान चोरी हो चुका है, जिसका शिकायत कई बार की है पुलिस प्रशासन को, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया उनके ऊपर, और किसी जो इस मामले में नहीं उसको ले जा उठा के लेके चले जाते हैं और कुछ पैसा भी ले लेते हैं उनसे। यहाँ तक के जो ठेका जो लिए परेशान होकर अपने पूरे सामान को उठा के यहाँ से लेके जा रहे कि मैं नहीं करूँगा, ये मकान नहीं बनाऊँगा करके। इस तरीके से मामला मच, हाँ बोल, इस तरीके से मामला यहाँ उपस्थित हुए कि कई विगत कई दिन से यहाँ नगर निगम वाले कोई ध्यान नहीं करे, न पुलिस वाले, यहाँ लोहा चोरी होते, बगल के जितना युवा मन है वो दारू पिया थे, लोहा चोरी करके गांजा पिया थे, और बाहर के भिलाई पावरू सुपेला भिलाई के कुर्सी पार के यहाँ गांजा दारू ब्राउन शुगर यहाँ पूरा बिल्डिंग में लोहा थे। ओकर बाद
कोई भी अगर माँ बहन यहाँ मोहल्ला के लड़का अगर कोई बोला थे कि नहीं भाई यहाँ मत करो तो मारपीट कर रहे थे। ओकर बाद हम जाकर थाना में कि भाई ये लड़का यहाँ आए हैं, ये दारू बेचा थे, ब्राउन शुगर बेचा थे, ये लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, तो आज पकड़ के ले जाते कल छोड़ देते, दूसरा दिन आके बोला थे कि मैं तो छूट के आ गया हूँ, जो करना है कर लूंगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।